आज महाराष्ट्र के 23 जिला से लाखों किसान नासिक का मुंबई चौक मैदान में यहाँ समावेश में आए हुए हैं। पिछले साल 6 मार्च नासिक से लॉन्ग मार्च हुआ था मुंबई तक, और हमारा जो मांग था 7 दिन बाद वो सरकार के सामने रखा था, और मुख्यमंत्री ने बातचीत के बाद मांग को स्वीकार किया था और वो वादा किया था कि हम किसान का फसल का दाम बढ़ाएंगे, उसका पेंशन बढ़ाएंगे, उसका कर्जा माफ़ी करेंगे, आदिवासी को ज़मीन देंगे, ये सब लिखित रूप से दिया था। मगर पिछले एक साल चला गया, एक साल में अभी तक किसान सभा के साथ कोई मीटिंग नहीं किया, रिव्यू नहीं किया, और एक्चुअली जो प्रोग्राम है उसका 10% भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जैसा 34,000 करोड़ ऋण कर्जा माफी का था, 17,000 करोड़ दिया 50%, अभी नहीं दिया किसी को। आदिवासी को जो ज़मीन देने का बात है फॉरेस्ट राइट एक्ट के मुताबिक, अभी तक उसको किसी तरह लागू नहीं हुआ, और फसल का 1.5 गुना दाम तो दिया ही नहीं, और बाकी पेंशन बढ़ाया नहीं। तो ये जो सब समस्या है, किसान का लागत खर्चा कम करना, बहुत कुछ वादा किया था लिखित रूप से, मगर जैसा राज्य सरकार संपूर्ण रूप से गद्दारी किया। इसलिए हम सरकार को बोला था लिखित रूप पे कि ये सवाल मानो। मीटिंग हुआ 13 तारीख और 17 तारीख, हमारा किसान सभा के साथ सरकार का मंत्रियों को घंटों मीटिंग हुआ, मगर मीटिंग में कोई अच्छा कुछ निकाला नहीं, बोल रहे पैसा नहीं है, कुछ कुछ बहानाबाजी करके पीछे हट रहा है। इसलिए हम तय किया आज फिर महाराष्ट्र के किसान आज 23 जिला से आए हैं, यहाँ से फिर मार्च करेंगे, और 27 तारीख असेंबली जब खुलेगा मुंबई में, असेंबली पहुँच के ये सारे सवाल दोबारा सरकार के सामने, असेंबली के सामने उठाएंगे ये मांग के लिए। ये केंद्र सरकार ऐसा ही गद्दारी की। नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले 400 पब्लिक मीटिंग में वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो फसल का 1.5 गुना दाम देंगे स्वामीनाथन के मुताबिक, और ऋण कर्जा माफ़ी करेंगे, और सत्ता में आने के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके लिख के बता दिया कि हम 1.5 गुना दाम दे नहीं सकता, और कर्जा माफ़ी तो एक लॉलीपॉप है, तो क्यों बोला था। आज 70 साल में जितना प्रधानमंत्री भारत में आया है, मोदी के तरह गद्दार, मोदी के तरह किसान के साथ विश्वासघात कोई प्रधानमंत्री नहीं किया, कोई अच्छा नहीं किया, मगर सबसे ज़्यादा गद्दारी किसान के साथ मोदी किया, तो आज तक नहीं दिया। अभी क्या कर रहा है, चुनाव 5 साल बीत गया, वादा किया, मगर आज 5 साल बाद चुनाव के 3 महीना पहले आज 4,000 रुपया रिश्वत दे रहा है, और सिर्फ जमीन वाला कुछ किसान को दे रहा है, खेत मजदूर के नहीं, बटाईदार किसान के नहीं, टेरेन पेजेंट के नहीं, आदिवासी किसान के नहीं, किसी के नहीं, सिर्फ कुछ मुट्ठी भर जिसको 2 हेक्टर के कम जमीन है, जहाँ सुखाड़ है वहाँ 6-2 एकड़ कुछ नहीं है, 3-4-5 एकड़ गरीब के पास है, उसको वो निकाल रहे हैं। लाखों किसान को निकाल दिया, सिर्फ मुट्ठी भर किसान को 2,000 या 4,000 चुनाव के पहले एक किस्ती देंगे और उसी का वोट खरीदने के लिए। ये कोई समस्या हल नहीं होता, किसान का समस्या भीख से नहीं मिट सकता, इसको जो दुख मांग है 2-1.5 गुना दाम और 1 टाइम लोन वेवर, ये 2 मांग मानने के अलावा किसान का समस्या हल नहीं हो सकता। ये हमारा ऑल इंडिया किसान सभा इसलिए लड़ रहा है, इसीलिए आज फिर दोबारा हम मार्च शुरू किया है। आज लोग आ रहा है यहाँ, लाखों लोग, कम से कम 70-80 हज़ार लोग यहाँ आके मार्च करने का जो तैयारी है, मगर आज जैसा थाने में पालघर में हजारों लोग किसान को रोक दिया, गाड़ी अटक दिया, आने के लिए रोक रहा है। हम बोला पहले लोग को यहाँ आने दो, वह बोल रहे मार्च करने नहीं देंगे आपको, यहाँ भाषण दो, यहाँ भाषण का कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ से मार्च शुरू करने का बात है। तो इसलिए हम मांग करेंगे, हम लोग आने के इंतज़ार करेंगे, लोग आने के बाद हम मार्च करेंगे, कोई भी परिस्थिति पैदा हो हम उसको मुकाबला करेंगे। सरकार को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकार का जो गद्दारी है इस किसान के खिलाफ, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और बॉम्बे तक ये आवाज़ को ले जाएंगे। आज हमारा किसान सभा का यही कार्यक्रम है।